तो हेलो की फैमिली, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मेरे पास गाड़ी आया है BS6 बोलेरो पिकअप है। इस गाड़ी में हमने GPS रिजर्वेशन किए थे लगभग 20 दिन बाद, 20 दिन से 18 दिन हो रहा हो, और फिर से इस गाड़ी में वही समस्या आ रहा है पिकअप का। तो इसमें हम चेक करेंगे क्या फॉल्ट आ रहा है और क्या कोड आ रहा है, क्योंकि इस गाड़ी का हमने लगभग एक बार पहले भी गाड़ी और भी कहीं कस्टमर उड़िया GPS रिजर्वेशन करवाए थे और मेरे पास भी आया था। मैं भी शुरू में देखा था, बहुत हाई था, तो हमने भी रिजर्वेशन किए। उसके बाद इसमें चेक किए कि इसमें क्या फॉल्ट है, तो हम रिजर्वेशन करके गाड़ी भेज दिए। उसके बाद 15-20 दिन हुआ, फिर वही कहानी है, इंजन का लाइट लीक किया जा रहा है और इस गाड़ी में पिकअप नहीं है। और R74 अब चेक करते हैं, आज इसको बारीक से चेक करेंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट है। अगर आपको भी आज समस्या आता है ऐसा कि हाँ 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीना में अगर कुरिया का आ जा रहा है लाइट, इंजन लाइट लीक के पिकअप हो जा रहा है, तो चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। तो चलिए आते हैं, स्कैन करते हैं इसमें, देखते हैं क्या क्या फॉल्ट आ रहा है, वही हिसाब से काम करेंगे। तो देख पा रहे हैं चाबी गाड़ी, देखिए चाबी ऑन कर दिए, ये वाला इंजन लाइट हट नहीं रहा, देखिएगा चाबी मारते चलो, इसको बंद रहना चाहिए, ये इसको जो है ये बंद रहना चाहिए, ये बंद नहीं रहता है। तो यही प्रॉब्लम है इसमें कि बंद नहीं हो रहा है, और इसको कॉल करेंगे और क्या फॉल्ट आ रहा है वो हिसाब से इसको काम करेंगे। तो हमने पूरा ही कर लिया और BS6 तो देख पा रहे हैं, सबसे जो पहला कोड आ रहा है P30F0, ये जो कोड बनता है ये होता है साइलेंसर लाइट, ये जो कोड है पार्टी कूलेंट फिल्टर एरर और इंजन प्रोटेक्शन, ये जो प्रॉब्लम होता है साइलेंसर से होता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमने इसका फाइनल पूरा अब साइलेंसर खोल दिया, साइलेंसर खोल के अब इसको आपको कच्चा दिखाते हैं, उसको बता ले वीडियो में बने रहे उसके अंदर, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में खोल के दिखाते हैं फटाफट। तो ये रहा साइलेंसर, तो अब इसको खोलेंगे, यहाँ का नट खोलेंगे पूरा तीनों, उसके बाद पूरा नीचे खोलेंगे, टाइम लगेगा खोल के, आपको हम बताते हैं पूरा सब खुलेगा और इसका पूरा सफा होगा। 1 2 3 4 5 वो सेंसर सफा होगा इसका पूरा, इसका साइलेंसर खुलेगा, चेक करते हैं इसमें। इसको पहले पूरा सेंसर को वायर निकाल देना है, तो खाने से हो गया, निकालते हैं। तो फाइनल साइलेंसर खोल गया, दूर से रखना, इसमें देखिए कचरा कितना आई सी नहीं उठा रहा है, तो देख पा रहे पूरा कचरा से भरा हुआ है इसमें, इतना कचरा है इसमें भरा हुआ, पूरा कचरा भरा हुआ है, देख पा रहे दम गौर से। तो इसके लिए हमको करना होगा, नहीं होगा तो इसको साइलेंसर को काटना होगा। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखेगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो इस साइलेंसर को चलते हैं अब कटिंग करते हैं, साइलेंसर कटिंग करने के बाद इसको पूरा इसका फिल्टर दिखाएंगे, पूरा चौक होगा जो अंदर माटी रहता है। तो चलिए अब चलते हैं, इसको ले जाते हैं, पहले कटिंग करवाते हैं। जो हमारे डेंटर साहब है और हमारे दुकान के बगल में है, ये इलेक्ट्रिक बिल्डिंग है, तो सब चलिए देखते हैं। तो ये हमारे डेंटर साहब है जो पूरा कटिंग कर रहे हैं, वो भी गाड़ी डेंटिंग करना हो तो ये कर देते हैं, और इसको कटिंग करके पूरा बढ़िया से इसको एकदम बढ़िया से क्लीनिंग होगा पूरा एकदम, देख पा रहे हैं।
तो देख पा रहे पूरा फाइनल एकदम सीधा कट रहा है और एक तरफ से रिक्शे भी काम है पूरा। बहुत हिसाब से काट रहे हैं पूरा एकदम और इससे सहारा लेना पड़ रहा है। ये भाई जो है ये इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं एकदम और ये हमारे ये हो गए डेंटिंग, गाड़ी का डेंटिंग करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक का यहाँ काम चालू हो रहा है और सब कचरा इसमें का पूरा एकदम देख पा रहे इसको बढ़िया से डीजल से और पानी के प्रेशर सफा होगा पूरा एकदम फिलिंग होगा सब। उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे और चेक करेंगे। तो चलते हैं अभी वाशिंग पे इसको पूरा सफ़ा करवाएंगे क्योंकि इसमें पूरा कचरा है, साफ होगा उसके बाद कसेंगे। बस रहने दीजिए बस, यहाँ देखिए कितना कचरा है पूरा एकदम। सिलेंसर का स्थिति देखिए तो हम लोग फाइनल इसको लेके आए पूरा कटिंग करके और पूरा साफा हुआ। जो देख पा रहे कितना कचरा गिर रहा है, ये पूरा एकदम कचरा गिर रहा है, इसको पूरा बढ़िया से साफ होगा एकदम। पूरा साफ साफ पानी आएगा तो कचरा इसका क्लीन हो जाए पूरा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पानी पूरा काला हो गया पूरा एकदम। तो ये भी पूरा धुआ रहा है पूरा बढ़िया से जो कटिंग हुआ है। पूरा देख पा रहे पूरा पेट्रोल से पूरा सफ़ा हो गया एकदम क्लीन और पूरा सेंसर पूरा पाइप देख पा रहे पूरा सफ़ा हो गया सब पूरा एकदम पेट्रोल से सब क्लीन हुआ है और ये भी पूरा एकदम सफ़ा हो गया। पूरा काला दिख रहा था पूरा देख पा रहे पूरा नया दिख रहा है। इसी से प्रॉब्लम था इसको अब इसको वेल्डिंग कराएंगे। वेल्डिंग कराने के बाद कम्प्लीट हो जाएगा ना। वेल्डिंग मारा रहा जो कटिंग हुआ था जो देख पा रहे पहले देख पा रहे पूरा फिनिशिंग फाइनल हो गया वेल्डिंग पूरा। अब इसको कसा जाए पूरा सेंसर जो सेंसर खुला हुआ है पूरा और फाइनल कस के आपको दिखा दें। पूरा खाली हो गया इंजन नंबर अच्छे फाइनल अब लगाते हैं पूरा एकदम और सिलेंसर कसते हैं। तो जो देख पा रहे सिलेंसर फंस रहा और कसने के बाद फंसाते हैं उसका फंस के आपको स्टार्ट करके चेक कराते हैं। फाइनल कसा गया पूरा कसा गया फाइनल। अब उसके बाद स्कैन करेंगे, स्कैन करके चेक करेंगे देख पा रहे पूरा कसा गया। अब स्कैन करेंगे और इसका रिएक्शन करेंगे हो रहा है कि नहीं। चलिए चाबी को ऑन करके, तो चाबी ऑन करके स्टार्ट भी किए हैं तो चेक लाइट नहीं जा रहा है तो इसका आप रिएक्शन करेंगे और देख रहे उठा रहा है कि नहीं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको स्टार्ट करके।
फाइनल हो गया, अब इसको करते हैं स्टार्ट। आइए तुम फोन करिए हम चले भाई। रेडिएशन चालू हो गया, अब चलेगा रेडिएशन। कब तक चलेगा देखना है। तो गाड़ी का हो गया स्पीड, तो फाइनल रिजर्वेशन हो गया, देख पा रहे हैं। अब इसका शूट मार दिखा दे रहे हैं, जीरो हो गया इसका शूट मार। और इसका पोल पोर्ट चेक करेंगे, नो पोल। और गाड़ी पूरा कंप्लीट हो गया, तो गाड़ी करते ऑन, फिर से करते स्टार्ट। तो देख पा रहे गाड़ी हो गया फाइनल, फिर से पोल कॉल देख रहे हैं, नो पोल कॉल। तो देख पा रहे आज उस दिन एक और वीडियो था जो सफा हुआ था, इसका सिलेंसर काट के काम हुआ है, बस इतना ही। बाकी हर काम यहाँ होता है, बस इतना ही। और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो शेयर करना ना भूले। चलिए बाकी धन्यवाद।